तो दोस्तों, टीएनटी एक्सपेरिमेंट के अंदर आज हमारे पास ये है, बम है। तो ये किस तरह का बम है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ रावण बम ही है। पर मैंने क्या किया है, रावण बम के ऊपर की है जो सुतली, तो सारे की सारी सुतली को मैंने निकाल दिया है। सुतली निकालने के बाद उसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते, गीला गीला आपको लग रहा होगा पर ये गीला नहीं है। यहाँ पर मैंने फेविक्विक डाल दिया है जिससे ये बहुत ही ज़्यादा जाड़ा हो जाए और ये टूटे भी ना। और नीचे भी मैंने इसी तरह से फेविक्विक डाल दिया और आजू बाजू पूरी पट्टी लगा दी। अब इसको जला के देखूंगा कि ये तो बहुत ही टाइट है। अब देखना है कि सुतली भी इसको टाइट ही करती है पर ये फट जाता है, यानी कि अच्छा खासा आवाज़ आता है। पर इसको भी देखना कि अच्छा खासा आवाज़ आता है या नहीं सिर्फ और सिर्फ फेविक्विक से। तो अब इसको जलाते हो और देखते कि किस तरह का इसके अंदर आवाज़ पैदा होता है। तो हम जलाते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिया अपना रावण बम, जलाते हैं अब और भागते हैं। तो अच्छी आवाज़ थी, पर इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, पर अच्छी थी। अगर सुतली होती तो अच्छी आवाज़ आती।